प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 3 आज सॉल्व करेंगे। इसमें हमें चार समांतर श्रेणी दी हुई हैं और इन चारों में हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 3(1, -1, -3)। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी दी हुई है, तो इसमें जो पहले नंबर पर जो भी अक्षर लिखा होगा, जो भी संख्या लिखी होगी, जो भी पद लिखा होगा, वो आपका प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाएंगे और ए बराबर आपको मिलेगा, ये जो पहला पद है यही कहलाता है। इसके बाद हम सार्व अंतर निकालते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सार्व अंतर और ये आएगा D बराबर। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर का पद है, इसमें से आपको पहले नंबर का पद घटा देना है तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा। दूसरे नंबर का पद कितना है? 1। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, फिर माइनस लगाना है चूँकि घटाना है आपको, और पहले नंबर का पद कितना है? 3। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3। तो प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आपके पास बच जाएगा। यही सार्वंतर है। दूसरी श्रेणी ले लेते हैं, -5, -1, -3, -7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी और इस श्रेणी को लिख लेंगे। इसके बाद जो पहले नंबर पर होता है, इसे हम प्रथम पद कहेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रथम पद आएगा, प्रथम पद ए बराबर -5 और सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा सार्व अंतर डी बराबर -1। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटाना है, तो दूसरे नंबर का पद कितना है? -1, और घटाना है चूंकि पहले नंबर का पद कितना है? -5, तो ये -5 घटाना है। तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना है यानी माइनस करना है, बराबर -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 5। तो 5 में से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो बचेगा 4। तो ये प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4 आ जाएगा। चलिए तीसरी श्रेणी ले लेते हैं। तीसरी श्रेणी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इसी तरीके से आगे। तो सबसे पहले हम दी हुई श्रेणी लिखेंगे। तो ये दी गई श्रेणी है, इसमें प्रथम पद है 1/3, जो पहले नंबर पर लिखा है वही होता है। तो प्रथम पद ए बराबर 1/3 और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सार्व अंतर इसे डी से दर्शाते हैं। तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटा देना। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 एकम 3 कितने बार भाग गया? तो आंसर है 1 बार भाग गया। तो 1 का गुणा आप जितने बार भाग जाएगा उसका गुणा 5 में करोगे। 3 एकम 3 1 बार गया, 1 का गुणा 5 में करोगे, 5 एकम 5। माइनस लगा है तो माइनस। 3 एकम 3 कितने बार गया? 1 बार। जितने बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में, यानी 1 एकम 1। 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 4/3। तो ये इसका सार्वंतर है इस श्रेणी का। इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी लेते हैं। नेक्स्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इसी तरीके से आगे। तो सबसे पहले हम दी गई समांतर श्रेणी लिखेंगे। इसके बाद प्रथम पद जो है वो पहला पद ही होता है। प्रथम पद ए बराबर 0.6 और सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये सेकंड पद में से फर्स्ट पद आपको घटा देना है, यानी 1.7 - 0.6। जब ये आप घटाओगे तो यदि इसको रफ में समझो आप,
तो यहाँ पर 1.6 लिखते हैं और यहाँ पर 0.6 लिखते हैं, माइनस करेंगे 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट ज्यों कहते हैं और 1 ज्यों कहते हैं, यानी 1.1। तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करते हैं। थैंक यू।